बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इल्म ऑनलाइन हेल्थ केयर। उम्मीद करती हूँ आप लोग हैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए खास वजीफ़ा लेकर आई हूँ कब्र से अजाब के महफूज का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र में रोशनी रहे और आप कब्र के अजाब से महफूज रहें, तो मैं आज आपको एक खास वजीफ़ा बताऊँगी जिससे आपका ये कब्र में आपका नूर होगा। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें या बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो मिल सके, और इसके साथ साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें। मेरी वीडियोस होती हैं जो भी चैनल्स के ऊपर, उनके ऊपर ज़रूर उनको शेयर किया करें, उनको कमेंट्स किया करें ताकि हमें पता लग सके आप हमारे वज़ाइफ़ सुन रहे हैं और आपको उनका असर हो रहा है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके काम हो रहे हैं, तो आप हमें वो ज़रूर बताया करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई अलहदा से मसाइल हैं जो हल ना हो रही हो, कोई ऐसी मुश्किलात हैं, तो आप हमारे हाफिज़ साहब से अलहदा से रबता कर सकते हैं। अलहदा से रबता करने के लिए हमारे हाफिज़ साहब का नंबर इस वीडियो में ऑलरेडी मौजूद है। आज का वजीफ़ा है कब्र के अजाब से बचने का। जो लोग भी चाहते हैं कि वो कब्र के अजाब से महफूज रहें, तो उनको चाहिए कि इशा की नमाज के बाद सूरतुल मुल्क पढ़ा करें और हर जुम्मे के जुम्मे सूरतुल काफ़ पढ़ा करें। जब भी ये दोनों सूरतें पढ़ते हैं तो एक गिलास पानी अपने सामने लाजमी रखा करें और उस पानी के ऊपर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा करें, 3 बार सूरतुल फातिहा और फिर ये सूरत, और इसके आखिर में फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी के ऊपर आप दम कर लें। और ये पानी आपने ख़ुद पीना है, चाहे आप दूसरों को भी पिला सकते हैं। इस पानी की बहुत बरकत होगी और इसके साथ साथ ही आपके कब्र के हिसाब से आप महफूज रहेंगे, और इसके साथ साथ ही आप दुनिया में भी हज़ार कामों से, हज़ार बुराइयों से और हज़ार कीड़े मकोड़ों से भी महफूज रहेंगे। तो इस पानी का आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये था मेरा आज का वजीफ़ा। वज़ाइफ़ को अच्छा करने के लिए 5 ऐसी अहम बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो 5 ऐसी अहम बातें आपको मिल सकें, तो वीडियो को देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को फॉलो करें ताकि वो 5 ऐसी अहम बातें आपको मिल सकें और आप वज़ाइफ़ अच्छे कर सकें। अगर आपके कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे हैं, आपको किसी तावीज़ की ज़रूरत है या किसी वजीफे की इजाज़त की ज़रूरत है, तो आप हमारे हाफिज़ साहब से अलहदा से रबता कर सकते हैं। हमारे हाफिज़ साहब से अलहदा से रबता करने के लिए इस वीडियो में हाफिज़ साहब का नंबर मौजूद है। इसके साथ साथ ही आप उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं या कमेंट्स में भी आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको जैसे आसान लगे आप उस तरह से करें। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरी आने वाली वीडियो का करें वेट। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह।